अगली खबर में बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मध्य प्रदेश में ठीक एक साल बाद विधानसभा चुनाव है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सियासत गर्मा गई है। रही बात मध्य प्रदेश में प्रवेश के बाद टंटिया भील जन्मस्थली पर राहुल गांधी की जनसभा है। ऐसे में आदिवासी वोटर्स कहीं कांग्रेस के लिए फायदेमंद ना हो जाए, इसलिए शिवराज सरकार ने जनजाति गौरव यात्रा को हरी झंडी दे दी है। टंटिया भील जन्मस्थली पर राहुल की जनसभा के ठीक एक दिन पहले शिवराज की जनजाति गौरव यात्रा वहां से निकलेगी। आपको बता दें कि 2021 से गौरव यात्रा 27 नवंबर को निकली थी, दूसरे साल यह 10 दिन पूर्व निकली रही है। राजनीतिक जानकार इस गौरव यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा की काट बता रहे हैं, जो आदिवासी सियासत पर टिकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जवाब भाजपा टंटिया मामा पर आधारित जनजाति गौरव यात्रा निकाल कर देगी। दोनों दलों को अब टंटिया मामा से आस है। टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर में राहुल गांधी की यात्रा आने के एक दिन पहले भाजपा यहीं से जनजातीय गौरव यात्रा की शुरुआत करेगी। टंटिया मामा की जन्मस्थली बड़ौदा अहीर से जनजातीय गौरव यात्रा 23 नवंबर को शुरू होगी, जबकि इसी दिन बुरहानपुर जिले से राहुल गांधी प्रदेश में प्रवेश करेंगे। गांधी की यात्रा 23 से 27 नवंबर तक निमाड़ से बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन तथा 28 से 5 दिसंबर तक मालवा, इंदौर, उज्जैन में रहकर राजस्थान में प्रवेश करेगी। भाजपा की जनजातीय गौरव यात्रा का शुभारंभ रविवार को कुक्षी के डही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। यह यात्रा मालवा निमाड़ के साथ ही प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभाओं सहित उन क्षेत्रों से भी निकलेगी जिनमें आदिवासी समाज के लिए विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं। यह चुनाव में आदिवासी वोटर्स निर्णायक की भूमिका में रहता है। यात्रा का समापन 3 दिसंबर को टंटिया मामा की कर्मस्थली पाताल पानी में होगा। वहीं 4 दिसंबर को इंदौर के भवरकुआ चौराहा पर टंटिया मामा की प्रतिमा का मुख्यमंत्री चौहान अनावरण करेंगे। मुख्य कार्यक्रम इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा।